राजकीय महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से डॉक्टर राकेश वर्मा कॉलेज के बीए सेकंड ईयर के छात्र छात्राओं का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, हम बीए सेकंड ईयर के सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बीए सेकंड ईयर में दो पेपर चलते हैं, जिसमें सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसमें हम इकाई प्रथम में भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, जो संविधान सभा बनी उसका गठन किस प्रकार किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। जो हमारा संविधान बना उसका प्रथम प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में हमने भारत के लोगों को क्या दिया, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो संविधान में वर्णित है संघीय व्यवस्था, जैसे केंद्र सरकार, राज्यों में राज्य सरकारें, स्थानीय में पंचायत राज आदि व्यवस्था हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो हमें संविधान से प्राप्त हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। द्वितीय इकाई में हम मूल अधिकार, फंडामेंटल्स ऑफ राइट्स, जो हमें संविधान से प्राप्त हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो नीति निर्देशक तत्व संविधान में वर्णित है तथा यदि आवश्यक पड़ने पर संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया संविधान में ही निहित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तृतीय इकाई में हम संघीय कार्यपालिका, जिसमें केंद्र में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति, संसद के बारे में बात करेंगे। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसके गठन और उसके कार्य, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की एक व्यवस्था की गई है, जिसमें हम जो संसद द्वारा निर्मित कानून है और उन कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय वैधता की जांच करता है आदि के बारे में बात करेंगे। आपातकालीन प्रावधान, जब राष्ट्रपति को ये महसूस हो कि शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, तो वो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन क्लासों में करेंगे। जो इकाई फोर्थ है, उस इकाई में हम निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें। भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। राज्यपाल, प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होगा, या दो से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल
की नियुक्ति की जा सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारी संसदीय प्रणाली है, उस संसदीय प्रणाली का हम अध्ययन करेंगे। वर्तमान में जो गठबंधन सरकारें आई गईं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। गठबंधन सरकार वो होती हैं किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो विभिन्न पार्टियां मिलकर के एक पार्टी को समर्थन देती हैं और वो गठबंधन करके सरकार बनाती हैं। इसके अलावा हम राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने भारत में, कुछ पार्टियां राज्य स्तर की होती हैं, कुछ स्थानीय जिसको बोलते हैं, और राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जैसे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्य आदि, जो भी, इसके बारे में हम इस अध्याय में बात करेंगे। अगला इसमें टॉपिक है निर्वाचन आयोग एवं उसके सुधार। जो निर्वाचन आयोग हैं उसका कार्य निर्वाचन करना है, उसमें क्या क्या सुधार की बात की जाएंगी जो विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। उसमें पांचवा जो इकाई है उसमें हम भारतीय राजव्यवस्था के सम्मुख प्रमुख समस्याएं, जैसे क्षेत्रीयवाद, क्षेत्रीयवाद, सांप्रदायिकता और राष्ट्रीय एकीकरण की बारे में अध्ययन करेंगे। आरक्षण और राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।